हेलो गाइस, वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा। सो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा की मस्जिदें, मजारे और दरगाह, क्योंकि इसमें से हर बार क्वेश्चन बनता है और किसी न किसी दरगाह और मस्जिद के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमारे पास आती है लखी शाह की दरगाह कहाँ पर है। अगर क्वेश्चन आता है लखी शाह की दरगाह कहाँ पर है, तो अम्बाला में है, अम्बाला में पड़ती है। नेक्स्ट है तकवाल शाह की दरगाह, ये भी कहाँ पर पड़ती है, अम्बाला में पड़ती है। अगर क्वेश्चन आता है तकवाल शाह की दरगाह कहाँ पर है, तो अम्बाला में है। नेक्स्ट है मामा भांजा पीर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहले भी एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। मामा भांजा जो पीर है वो भी कहाँ पर पड़ता है, अम्बाला में पड़ता है और अम्बाला कैंट में पड़ता है। अगर क्वेश्चन आए कि अम्बाला कैंट में कहाँ पर पड़ता है, या फिर अम्बाला कैंट के एयरफोर्स बेस में जो है कौन सी दरगाह पड़ती है, तो मामा भांजा पीर की दरगाह, तो ये अम्बाला के एयरफोर्स बेस में है। नेक्स्ट है नौ गजा पीर की दरगाह, यहाँ से तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है। नौ गजा पीर की दरगाह कहाँ पर पड़ती है, अम्बाला में पड़ती है, अम्बाला शाहबाद रोड पे ये पड़ती है। और एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि हरियाणा के किस पीर की दरगाह पर मन्नतें पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है, तो किसकी, नौ गजा पीर की दरगाह पर यहाँ पर मन्नत पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है पाँच पीरों की दरगाह, ये कहाँ पर पड़ती है, करनाल में पड़ती है। पांच पीरों की दरगाह करनाल में बहुत फेमस दरगाह है, और इसे क्या बोलते हैं, पक्के पुल वाले पीर भी बोलते हैं, पक्के पुल वाले पीर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है दरगाह कलंदर शाह, ये भी कहाँ पर पड़ती है, करनाल में पड़ती है दरगाह कलंदर शाह। बाबर की मस्जिद, ये इम्पोर्टेंट रहेगी, बाबर की मस्जिद कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, करनाल में है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 21 अप्रैल 1515, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, किसके साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। और यहाँ से नेशनल जीके का क्वेश्चन बन जाता है, इब्राहिम लोदी जो है मेडिवल इंडिया का पहला शासक था, जो किस में मारा गया था, युद्ध भूमि में मारा गया था, पानीपत के पहले युद्ध में। तो पानीपत के पहले युद्ध में किसकी जीत हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। बाबर ने इस जीत के उपलक्ष्य में पानीपत में तो क्या लगवाया था, काबुली बाग लगवाया था, काबुली बाग पानीपत में लगवाया था। और जो करनाल है उसमें क्या बनवाई थी, एक मस्जिद बनवाई थी, एक मस्जिद बनवाई थी, जिसे क्या बोलते हैं, बाबर की मस्जिद बोला जाता है। नेक्स्ट है काबुली बाग मस्जिद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है और हर बार जो है वो क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह से दे देते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है, तो ये पानीपत में है। किसने बनवाई थी, बाबर ने बनवाई थी। और काबुली बाग यानी कि जैसे जो काबुली बाग लगवाया था पानीपत में, उसी में मस्जिद बनवाई थी। और किसकी याद में, अपनी बेगम मुसम्मत काबुली की याद में, अपनी बेगम मुसम्मत काबुली की बाग में ये मस्जिद बनवाई थी। इस मस्जिद की तीन चार बातें आपने याद रखनी है, कैसे, एक तो इसका जो मुख है वो किसकी तरफ है, मक्का की तरफ है, यानी कि पश्चिम की तरफ है। और इस मस्जिद की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई है, कुरान की आयतें। क्वेश्चन आता है हरियाणा की किस मस्जिद की दीवारों पर कुरान की आयतें, तो किसकी, तो किस मस्जिद की, काबुली बाग मस्जिद की। ऐसे ही जैसे हरियाणा में किस मंदिर की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हैं, तो किस में, बिरला मंदिर जो कहाँ पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद इसी के बारे में, इसमें काले पत्थर का प्रयोग किया है, किसका, काले पत्थर का। वैसे काले पत्थर का बहुत कम प्रयोग करते हैं, लेकिन इस मस्जिद में काले पत्थर का प्रयोग किया है। और इस मस्जिद के ऊपर एक चबूतरा बना हुआ है, तो ये जो चबूतरा है, देखो मस्जिद तो किसने बनवाई थी, बाबर ने बनवाई थी, लेकिन जो ये चबूतरा बनवाया था वो किसने बनवाया था, बाबर के पुत्र हुमायूं द्वारा बनवाया गया था। तो ये चार पांच जो बातें हैं आपने याद रखनी है काबुली बाग मस्जिद के बारे में। नेक्स्ट है बू अली कलंदर शाह की जो दरगाह है वो कहाँ पर पड़ती है, पानीपत में पड़ती है। ये भी सैयद रोशन अली की दरगाह कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, पानीपत में है। एंड नेक्स्ट है हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह, ये भी कहाँ पर पड़ती है,
पानीपत में पड़ती है। तो ये हुई पानीपत की दरगाहें, दो हमने की थी करनाल की और चार हो गई अम्बाला की। नेक्स्ट है मीरा नौ बहार पीर की जो दरगाह मजार है वो कहाँ पर पड़ती है, ये कैथल में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, कैथल में, जटवाड़ा गांव पड़ता है कैथल में। तो वहीं पर कौन सी दरगाह है, मीरा नौ बहार पीर की मजार है। नेक्स्ट है पीर जमाल की मजार, ये कहाँ पर पड़ती है, गोहाना में पड़ती है। और गोहाना कहाँ पर पड़ता है, सोनीपत में। और गोहाना की क्या फेमस है, जलेबी फेमस है गोहाना की। नेक्स्ट है लाल मस्जिद, ये तो यहाँ से लेके जैसे लाल मस्जिद है, दीनी मस्जिद, रेड मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, काजी की मस्जिद, बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट हुई है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके पास आता है लाल मस्जिद कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, रोहतक में है। और रोहतक में कब बनी थी, 1939 में बनवाई थी लाल मस्जिद एक व्यापारी द्वारा जिसका नाम था हाजी अली। कई जगह पर इसका नाम आशिक अली भी दिया हुआ है और कहीं जगह पर हाजी अली भी दिया है। सबसे पहले तो याद रखना है कहाँ पर है, रोहतक में है, 1939 में इसको बनवाया था। ये तो थी लाल मस्जिद की बात। अगर आपके पास आता है रेड मस्जिद या फिर अकबर कालीन रेड मस्जिद या लाल मस्जिद हरियाणा में किस स्थान पर है, अगर अकबर कालीन की बात करते हैं तो ये कहाँ पर पड़ती है, रेवाड़ी में पड़ती है। और 1570 के आसपास ये बनी थी कौन सी मस्जिद, रेड मस्जिद। नेक्स्ट है दीनी मस्जिद, ये भी कहाँ पर पड़ती है, रोहतक में पड़ती है। दीनी मस्जिद कहाँ पर है, रोहतक में है। और अगर क्वेश्चन आता है दीनी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। किसने, औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था। इस मस्जिद की अगर हम बात करते हैं दीनी मस्जिद की, ये कहते हैं कि यहाँ पर मस्जिद बनने से पहले महावीर का मंदिर था जो 1100 साल पुराना, जब औरंगजेब का शासन था तो उसने मंदिर को तुड़वा कर क्या बनवा दी थी, मस्जिद। लेकिन 1947 के बाद यानी कि पार्टीशन के बाद जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे, दोबारा से फिर यहाँ पर मंदिर बनवा दिया। तो एट प्रेजेंट भी यहाँ पर क्या है, महावीर का मंदिर है। नेक्स्ट है शीशे वाली मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद भी कहाँ पर पड़ती है, रोहतक में पड़ती है। और रोहतक में पड़ती है, इसकी जो खास बात है वो क्या याद रखनी है, इसका जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार किसका बना हुआ है, संगमरमर का बना हुआ है प्रवेश द्वार। अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की किस मस्जिद का प्रवेश द्वार संगमरमर का है, तो किसका है, शीशे वाली मस्जिद का। नेक्स्ट है काजी की मस्जिद, अगर हम काजी की मस्जिद की बात करते हैं, ये कहाँ पर पड़ती है, दुजाना में, दुजाना गांव। कहाँ पर पड़ता है, झज्जर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, ये झज्जर में। और काजी की मस्जिद की आपने एक बात याद रखनी है, सबसे पहले तो इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि काजी द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, काजी की मस्जिद। और एक बात इसके बारे में और इम्पोर्टेंट है, इस मस्जिद में जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, जो सीढ़ियाँ बनी हुई है वो कैसी है, कुतुब मीनार की तरह, जैसे कुतुब मीनार में गोल घुमावदार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऐसे ही इस मस्जिद में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। नेक्स्ट है हुमायूं की मस्जिद, ये कहाँ पर पड़ती है, फतेहाबाद में। हुमायूं की मस्जिद कहाँ पर पड़ेगी, फतेहाबाद में। नेक्स्ट है शेख जुनैद की मजार, ये भी कहाँ पर पड़ती है, हांसी में पड़ती है, हांसी हिसार में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी शेख जुनैद की मजार जो हांसी हिसार में। नेक्स्ट है संत मीर शाह की मजार, ये कहाँ पर है, फतेहाबाद में, फतेहाबाद में पड़ती है संत मीर शाह की मजार। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, हरियाणा की किस मजार पर, यानी हरियाणा के किस मजार पर हुमायूं का अभिलेख लिखा हुआ है। तो हरियाणा में जो है मीर शाह की मजार जो फतेहाबाद में, यहाँ पर क्या है, हुमायूं का अभिलेख इस पर लिखा गया है। किस पर, संत मीर शाह की मजार में। नेक्स्ट है बाबा मीरा साहिब की मजार, ये कहाँ पड़ती है, हांसी में पड़ती है, और हांसी हिसार में। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाट की मस्जिद, ये तो मैं कई बार करा चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ। लाट की मस्जिद कहाँ पर पड़ती है, ये गुजरी महल में है, गुजरी महल में बनी हुई है, जो कहाँ पर पड़ता है, हिसार में। और गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और अगर क्वेश्चन आता है कि लाट की मस्जिद जो है उसका आकार कैसा है, तो ये एल शेप में बनी हुई है लाट की मस्जिद। नेक्स्ट है चार कुतुब शाह की दरगाह, ये कहाँ पर पड़ती है, हांसी में पड़ती है, हांसी हिसार में पड़ती है चार कुतुब शाह की दरगाह। जो चार कुतुब शाह की दरगाह है वो क्यों फेमस है, यहाँ पर चार संतों की मजारें बनी हुई हैं, जिसे क्या बोलते हैं,
चार कुतुब शाह बोलते हैं। नेक्स्ट है ख्वाजा की सराय, ये कहाँ पर पड़ती है? फरीदाबाद में पड़ती है। कहाँ पर? फरीदाबाद में क्या पड़ती है? ख्वाजा की सराय। एंड नेक्स्ट है हमजा पीर की दरगाह, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। हमजा पीर की दरगाह ये पड़ती है धरसू गांव पड़ता है। धरसू गांव जो कहाँ पर पड़ता है? नारनोल में पड़ता है धरसू गांव। तो हमजा पीर की दरगाह कहाँ पर है? धरसू गांव। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? हरियाणा की किस दरगाह पर औरतों का जाना मना है, यानी कि औरतें यहाँ पर नहीं जा सकती? तो किस मजार पर? हमजा पीर की दरगाह कहाँ पर पड़ती है? धरसू गांव नारनोल में जो पड़ता है। और देखो यहाँ पर तो है पीर जो दरगाह है उसमें जो औरतों का जाना मना है, और अगर मंदिर की बात करें किस मंदिर में औरतों का जाना मना है, तो कार्तिकेय मंदिर कहाँ पर पड़ता है? कैथल में पड़ता है, वहाँ पर भी जो औरतें वो नहीं जा सकती। नेक्स्ट है इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद, ये कहाँ पड़ती है? रेवाड़ी में पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है रंगीशाह मस्जिद, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। रंगीशाह मस्जिद कहाँ पर पड़ती है? भिवानी में पड़ती है। और इस मस्जिद के और क्या कुछ नाम है? इसे नई मस्जिद भी बोलते हैं, इसे व्यापारियों वाली मस्जिद भी बोला जाता है। किसे? रंगीशाह मस्जिद को। नेक्स्ट है शेख मूसा की मजार, ये पल्ला गांव पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मेवात में, जिसे क्या बोलते हैं? अब नूह बोलते हैं। शेख मूसा की मजार कहाँ पर है? पल्ला गांव, यानी कि नूह में है। और अगर क्वेश्चन आता है ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो अकबर द्वारा बनवाई गई थी। तो ये थी बच्चों हमारी आज की मस्जिदें, मजारें और दरगाह। मैंने कोशिश की है कि हरियाणा की जो मैक्सिमम दरगाहें मस्जिदें हैं वो कंप्लीट हो जाए एक ही वीडियो में। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और इसके बारे में जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं उसे अच्छे से नोट करना। तो आज आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।